हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो अपनी कार ऑडियो के जो सीरीज है उसमें एक और एक वीडियो में बना रहा हूँ कार ऑडियो के रिगार्डिंग, एम्पलीफायर्स के रिगार्डिंग ही बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एम्पलीफायर्स के बारे में बताया था, जो कार ऑडियो के रिगार्डिंग वाली दो वीडियोज मैंने बनाई थी आज तक, तो उसमें एम्पलीफायर्स के रिगार्डिंग था कि एम्पलीफायर क्या क्यों होता है, और दूसरे में आपने वायरिंग की बात की थी। अच्छा, तो इंटरेस्टिंगली ये वीडियोज काफ़ी अच्छी चली और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आया, और अभी भी काफ़ी लोग उन वीडियोज़ को देखते हैं। और मेरे को कई लोगों ने कमेंट किए, कई अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके कमेंट आए कि ये उस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि ये जो दो वाली होती हैं वायर्स, ये सबसे ज़्यादा मेन होती हैं, जैसे ये वाली ग्राउंड हो गई और ये वाली पावर की हो गई। तो लोगों ने बड़ा कमेंट किया कि यार ये कैसे कनेक्टेड होती हैं आगे से। मैंने जैसे बताया था कि ये मोटी वायर्स होती हैं, ये बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये बैटरी से किस तरीके से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से सही तरीके से कनेक्ट करना चाहिए, और ऐसी वायर्स क्यों ले रखी हैं। एक अपने भाई बंधु ने ये भी कमेंट किया था कि यार इतनी चीप वायर क्यों करते हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सर ये वायर चीप नहीं है, ये बहुत अच्छी हैवल्स की वायरिंग है, ये प्योर कॉपर वायरिंग है। मैं बताऊंगा अभी अपन इंजन में जाके, मैं आपको ज़्यादा बेटर बताऊंगा। पर आप भी देख लो, मैंने गाड़ी में दो एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, एक ड्राइवर सीट के नीचे है ये वाला, और एक को पैसेंजर सीट के नीचे भी एक सेम ऐसा ही लगा हुआ है। तो उन दोनों में मैंने ये वायर्स चेंज कराई थी, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की मैंने वायर्स खरीदी थी, जो कंपनी वाली आती हैं, जो कार ऑडियो टाइप कंपनी वाली आती हैं, बट वो मेरे को बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रही, तो मैंने अभी चेंज करके ये वाली डलवाई थी लगभग साल भर पहले। तो ये अपनी यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ से पूरी आगे जा रही है और एक अपनी उधर से ऐसे ऐसे नीचे नीचे आगे जा रही है, फिर दोनों वहाँ से फायरवॉल से निकल के इंजन साइड में आ रही है। तो अभी चलते हैं इंजन साइड, फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी, तो अब आगे इंजन में तो मैंने आपको दिखाया था, वो देखो दोनों वायर्स वहाँ से निकलती हैं, मैंने बताया था आगे निकल के फायरवॉल को क्रॉस करती हैं, तो देखो ये दोनों आ गई, ये मेरे हाथ में आपको दिख रहे हैं दोनों, ये जो दोनों वायरिंग है ये यहाँ पे लगे हुए दो फ्यूज़। अभी फ्यूज़ के बारे में बताता हूँ, थोड़े गंदे हो गए इंजन में पड़े रहते हैं ना इसलिए, और फ्यूज़ से फिर ये कनेक्टेड है यहाँ पे अपने बैटरी के, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से प्रॉपरली मैंने क्लिप लगा के इसको प्रॉपरली टाइट कर रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई जुगाड़ वाला काम कर रखा है इसमें। अच्छा, तो अभी अपन ये मेरी पूरी बात हो गई, अब मैं बताता हूँ वायरिंग क्या ना सर, बात ये होती है कि जो ये वाली वायरिंग है ये अपनी है तो चार गेज की वायर, चार गेज मतलब जितनी गेज कम होती है उतनी मोटी होती जाती है, जैसे जीरो गेज की वायर बहुत मोटी होगी, लगभग ऐसी वायर आएगी जीरो गेज की, और ये चार गेज की, मतलब ऐसे से जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उतनी वायर पतली होती है। अभी मैंने चेंज करके ऐसी वाली वायरिंग क्यों लगाई, उसका रीज़न ये था कि ये प्योर कॉपर वायर है और इनकी जो एम्प की रेटिंग है, मतलब कितनी पावर ये कैरी कर सकती है बैटरी से एम्पलीफायर तक, वो ज़्यादा थी, जबकि जो मैंने टू गेज की एल्यूमिनियम की वायर लगाई थी। तो जब से मैंने ये वायर लगाई तो मेरी आउटपुट भी बढ़ गई और इसके वजह से रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई है अपने सिस्टम की, मेरे को उसके बाद से आज तक कभी भी वायर 1% भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अच्छे से फिट करवाओ, अच्छे से मतलब क्लैंप लगवाओ दोनों तरफ, जो भी पिन हैं या जो उधर जो वाई शेप जो पिन है जो एम्पलीफायर में लगती है, वो सारी अच्छे से फिट कराओगे, उसके बाद वो बिल्कुल भी कभी दिक्कत आनी नहीं है। अब एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने एम्पलीफायर्स के जो वायरिंग होती है उसमें आपको ऐसे तरीके के ऐसे फ्यूज़ आते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा बड़ा गंदा मंदा सा हो रखा है, बट ये मैंने प्रॉपरली एकदम फिक्स कर रखे हैं, ये बस थोड़ा सा दिख ऐसा रहा है क्योंकि इन्हें पड़े रहते हैं ना, तुमको टेप से कवर करके मैंने यहाँ रखा हुआ था। अच्छा, अब इनका यूज़ क्या है, अब बहुत लोगों ने नोट किया होगा कि जो एम्पलीफायर वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर जो एम्पलीफायर था उसमें भी एक फ्यूज़ लगा हुआ था, तो फिर फ्यूज़ की ज़रूरत क्या है। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो वायर है ना ये वाली, जैसे जो ये वायर यहाँ से ये जा रही है, इस वायर में ना 24 घंटे पावर है, ठीक है, और आपकी गाड़ी यहाँ से ग्राउंडेड है, मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका बॉडी से ग्राउंड हो रखा है। अब अगर किसी भी दुर्घटना हुई या किसी भी रीज़न से, मान लो सीट के नीचे आके या अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंट में अगर ये तार कट गई और ये अगर बॉडी के टच हो गई कहीं पे भी, तो ये पूरी वायर गर्म होकर ये आग लगा देगी, तो आपको इतना ज़्यादा रिस्की हो जाएगा ये, क्योंकि अपने जो यहाँ पे भी जो होती है ना गाड़ी में पूरा फ्यूज़ का सिस्टम होता है ना, वो देखो कि यहाँ से एक तार निकल के यहीं फ्यूज़ बॉक्स है, तो यहीं पर वो कनेक्टेड रहता है, क्योंकि अगर आगे कुछ भी डैमेज होगा तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। उसी रीज़न से जितनी हैवी आपके एम्पलीफायर्स हैं उसके हिसाब से आपको एक हैवी ड्यूटी आपको फ्यूज़ लगाना, ये कंपनी के फ्यूज़ेस हैं दोनों, ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे अगर मतलब इसके आगे अगर तार कहीं से भी कुछ भी कटे और कहीं पर भी बॉडी को टच हो जाए तो आग नहीं लग सकती, ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा। पर ये जो छोटी सी तार देख रहे हो ना आप, ये अनप्रोटेक्टेड है, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको किसी भी तरीके से कट जाए और यहाँ लग जाए तो पूरे पूरे चांस है गाड़ी में आग लगने के। तो फ्यूज़ लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे कितनी अच्छी वायरिंग लगा लो, कितना अच्छा एम्पलीफायर लगा लो, फ्यूज़ लगाना आपकी सेफ्टी है, आपकी गाड़ी की सेफ्टी है,
और हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है फ्यूज़ लगाना अगर आप एक्सटर्नल ऑडियो अपनी गाड़ी में लगवा रहे हो। तो ये एक सिंपल छोटी सी वीडियो मैंने बनाई इसी रिगार्ड में। काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी मेरे को सरप्राइजिंगली इसी रिगार्ड में के वायर्स के बारे में, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक वायर के लिए रिगार्डिंग एक वीडियो बना दिया। अच्छे से मैंने ये श्रिंक रैप लगा लगवा के ये सारा मैंने खुद ही फिट की थी ये सारी वायर्स, तो अच्छी है ये। आप किसी अच्छी कंपनी की भी वायर ले सकते हो, मतलब कोई भी कंपनी की आप ले सकते हो, जितनी मोटी लोगे उतना ज़्यादा करंट और उतना ज़्यादा एम्प वो आपके एम्पलीफायर तक पहुँचाएगी या कहीं पर भी। बस मतलब ये आप इस तरीके से मानो कि एक जो तार होती है ना एक पाइप की तरह है, वो जितनी मोटी होगी उतना ज़्यादा पानी ले जा सकती है। तो पानी को आप करंट की तरह मान लो और आप तार को आप उसके पाइप की तरह से कंसिडर आप कर सकते हो। तो अच्छी प्योर कॉपर वायर लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और मैं मिलूँगा आपसे ऐसी एक और एक वीडियो में। और कुछ भी आपको क्वेरी हो या किसी भी तरीके की आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना। चलो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।